आपका दर्पण कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैंने जो सोचा नहीं था वो होने जा रहा है और इसलिए आप दिल थाम के हमारे वीडियो के साथ अंत तक बना रहिएगा। और एक से बढ़ के एक टॉपिक देने जा रहा हूँ और आपका दिल और दिमाग का बत्ती एकदम जला देगा। भक्त देकर यहाँ करेंगे मारेंगे, छक देकर वहाँ थम पप कीजिए और यहाँ भक्त देकर बत्ती जलेगा। देखिए यहाँ साधारण ब्याज के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। टॉपिक बहुत अच्छा है ना, इसलिए करके अंत तक बना रहिएगा। देखिए मूलधन पहला है 500 रुपया, है ना, और समय 2 वर्ष है और दर 5%। तो इसको हमें क्या निकालना है, तो ब्याज निकाल देना है। क्या निकालना है बच्चों, ब्याज, है ना। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय और गुने दर और बटा के सब। तो प्यारे यहाँ देखिए मूलधन कितना है, 500 गुने 2 और गुने 5%, यानी 5 बटा के 100। दूसरा से दूसरा कट गया और 50 रुपया हो गया। तो हम समझते हैं कि इस सवाल को आप बढ़िया से समझ गए होंगे और कहीं भी आपको से सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। और सवाल नंबर 2 पर एक नज़र हम डालते हैं, है ना। तो देखिए क्या कहता है, मूलधन 700 रुपया, समय 4 वर्ष, दर 5% और 15% वार्षिक है, ठीक है। है ना, तो ब्याज कितना होगा बच्चा, तो देखिए है ना, ब्याज है 840 रुपया, है ना। तो देखिए राशि को निकालना हमको होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, तो उसी प्रकार से है ना क्या होगा, ब्याज है ना बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा सौ, है ना। तो यहाँ मूलधन कितना हो गया 700 और गुने के कितना हो जाएगा, तो 15%, है ना, और गुने के 4 वर्ष बटा के सौ, है ना। तो कितना हो गया, सुना से सुना कट गया, है ना, पनचौ देखो 60 और 42, है ना। तो आप देखिए ब्याज पहले निकाल लेते हैं, ब्याज तो कितना था 840 घटाओ कितना हो गया 420, तो हो गया देखिए यहाँ 420, ठीक है जी, आए। तब मूलधन निकालना होगा, तब मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा के समय गुने दर, ठीक है। देखिए 420 गुने के 100 कर देते हैं प्यारे, और आपको यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, तो 5 अगुने 4, ठीक है, हैं जी। तो 5 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 4 से, तब 5 20, है ना। और इसको 6 से मैंने इसको गुना कर दो तो 5 दूना 10, है ना, और 5 20 एक 21, है ना, तो 2100 रुपया आया। तो हम समझते हैं कि सवाल को आप बढ़िया से समझ गए होंगे और परीक्षा में आने पर या किसी को बताने पर आप बढ़िया से बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर नहीं भूलेंगे करना। जय हिंद जय भारत।